अपने अभिनय और चुलबुले स्टंट से दर्शकों का दिल जीतने वाले मशहूर अभिनेता जैकी चैन की 23 साल पुरानी हसरत पूरी हो गई है। कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे चैन को आखिरकार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, तो कैसा रहा जैकी चैन का फिल्मी करियर, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, बात जब स्टंट की होती है तो हमेशा जैकी चैन का ही ख्याल आता है। चैन की हर फिल्म में एक्शन और उनके खतरनाक स्टंट सभी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैकी अपनी फिल्मों में वो कर दिखाते हैं जिसे करने में दूसरे अभिनेताओं के पसीने छूट जाएं। स्टंट के बादशाह और अपनी असल जिंदगी में 56 हड्डियां तोड़वाने वाले जैकी चैन का 23 साल पुराना सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। शनिवार को उन्हें लॉस एंजलिस के हॉलीवुड एंड इंग्लैंड सेंटर में आयोजित 8वें एनुअल गवर्नेंस अवार्ड के दौरान प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। टॉम हैंक्स, मिशेल यो और क्रिस टकर ने चैन को पुरस्कार दिया। साथ ही इस दौरान उनकी तुलना जॉन वाइने और बस्टर कीटन से की। अवार्ड लेते हुए जैकी ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमेशा मेरे पिता मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर ऑस्कर क्यों नहीं है। आज से 23 साल पहले मैंने हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन के घर ऑस्कर अवार्ड देखा तो उसे इस कदर चूमा जैसे ये अवार्ड मुझे ही मिला हो। आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। जैकी चैन को ये अवार्ड फिल्मों में अहम योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने अपने 56 साल के फिल्मी करियर में अभी तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जैकी हॉलीवुड की फिल्मों के प्रख्यात स्टंटमैन, अभिनेता और निर्देशक हैं। वो 7 अप्रैल 1954 को ब्रिटिश हांगकांग में जन्मे हैं। उन्होंने कुंग फू को अमेरिकी सिनेमा की मुख्य धारा में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। जैकी ने अपना करियर स्टंटमैन के रूप में शुरू किया था जब उन्होंने अपने आदर्श ब्रूस ली के साथ 1972 में फीस्ट्स ऑफ फ्यूरी और 1973 में एंटर द ड्रैगन में काम किया। सन 1976 में फिल्म निर्माता विली चैन ने जैकी के स्टंट से खुश होकर जैकी के साथ न्यू फीस्ट ऑफ फ्यूरी फिल्म बनाई, लेकिन वो असफल रही क्योंकि चैन ली के मार्शल आर्ट्स शैली से परिचित नहीं थे। जिसके बाद चैन ने जी तोड़ मेहनत की और इसके बाद उनका करियर बुलंदियों को छूने लगा। चैन जितने अच्छे अभिनेता और स्टंटमैन हैं उतने ही अच्छे गायक और इंसान भी। चैन चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के साथ साथ यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत भी हैं। चैन की निजी जिंदगी भी काफी सुकून भरी है। ताइवानी अभिनेत्री लिंग फेंग जियोन चैन की पत्नी है और उनकी 2 संतानें हैं। वैसे पत्नी जियाओ ने भी चैन के करियर में उनका काफी साथ दिया। परिवार और दर्शकों के प्यार की बदौलत ही चैन को उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा मिला। स्टंट के बेताज बादशाह कहें या फिर एक्शन कॉमेडी के हीरो, जैकी चैन ने अपने हर किरदार में खुद को हमेशा साबित किया है और शायद यही वजह है कि हॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड उनको सलाम करता है। देखते रहिए डीबी लाइव। Oh!